काफी लोग मेरे पास में आते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई घर में सेक्स पॉसिबल नहीं है, वाइफ कोऑपरेट करती नहीं, क्या मैं पेड सर्विस ले सकता हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे काउंसलिंग के लिए आते रहते हैं। उसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, पेड सर्विस लेना अब ये गलत और सही इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक अलग अलग अपना अपना दृष्टिकोण है। यदि मैं पेड सर्विस वो जो सेक्स वर्कर है उसके नजर से देखूँ तो उसको तो वो तो पेट के लिए कर रही है बेचारे, उसको तो पैसा कमाने का है और वो तो बिजनेस कर रही है, तो वो तो वहां से देखेंगे वो दृष्टिकोण से तो अच्छा ही है, क्या बुरा है। वो तो बोलेंगे हाँ भाई मेरा पेट चलता है, मेरा बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलत नहीं है। हाँ वैसा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें आ सकते हैं। लोग शादी के पहले तो करते रहते हैं ट्राई, शादी के पहले मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ, इसलिए काफ़ी सारे लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, सेक्स वर्कर के पास में जाते हैं, मतलब वेश्या या प्रोस्टिट्यूट के पास में जाते हैं, पैसे देते हैं और वहाँ फेल हो जाते हैं। वहाँ फेल इसलिए होते हैं कि वो तो पैसे के लिए कर रही है, वो तो 500, 1000 रुपये, 2000 जो भी अपना होगा वो ले लेती है, चलो जल्दी करो जल्दी करो नहीं तो पुलिस आएंगे, ऐसा बोल के वो टेंशन में तो उसका होता ही नहीं। फिर बोलती है कि नहीं तुमको कुछ होता नहीं है, तुमको तुम्हारे वीकनेस है, तुम्हारी कमजोरी है, तुमने हस्तमैथुन किया है क्या, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जाओ डॉक्टर के पास में और इलाज कर लो। और वो डाउन होके डिप्रेस होके टेंशन में आके बाहर आता है। या कुछ लोगों का जल्दी वीर्य पतन हो जाता है और उनको लगता है कि अरे मैं तो कुछ काम का ही नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया। कोई सेक्स वर्कर बोलती है कि आपका छोटा है, आपको बड़ा करना जरूरी है, ऐसे कुछ तो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लेके लोग बाहर आते हैं। तो अभी आपको यदि शादी के पहले जाना है और टेस्ट करने के लिए जाना है तो पहले खुद को एजुकेट करो और जाओ। और अभी मैं जो मतलब जो भी कमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग उसके ये वीडियो के ऊपर बैड कमेंट करेंगे, मगर एक सलाह दे रहा हूँ क्योंकि लोग अदरवाइज तो जा रहे हैं तो फिर उनको सलाह देना जरूरी है। क्योंकि आप वो 500 ले रहे हैं तो आप बोलो भाई 1000 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 ले तो बोलना 1500 लो, 2000 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जल्दबाजी में डाउन मत करो। वो व्यक्ति को डाउन नहीं करना चाहिए उसने, मतलब आपने बोलना चाहिए मुझे डाउन मत करो, आपका 1000 रुपये रेट है, ठीक है 1000 ले लो, नहीं 1500 ले लो भैया, मगर आप समय दो, शांति से करो, शांति से एंटरटेन करो, अच्छी सर्विस दो, ताकि जो प्रॉब्लम आने वाला है सेक्स वर्कर के साथ में सेक्स करने से, जो प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कम से कम, उसके साथ साथ आपने शादी के पहले करो, शादी के बाद में करो। जो भी प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए वो लेना चाहिए, जैसा एक नहीं दो कंडोम लगाना चाहिए, थिक कंडोम लगाना चाहिए, फिर कहीं जख्म तो नहीं है, होठों के ऊपर जख्म है क्या, मतलब वहाँ से कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, मतलब ऐसे जो भी है वो आपने प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो लेना चाहिए। तीसरा क्या होता है कि जब आप होटल्स में जाते हो, स्पेशली अभी जो कुछ ओयो रूम्स है, और ओयो रूम का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ओयो रूम स्पेशली इसके लिए फेमस है, तो उसके ऊपर पुलिस कभी भी आ सकती है और आप टेंशन में प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि पुलिस को पता चलता है कि ओयो रूम तो उसके लिए फेमस है और आप जाते हो वहाँ कोई लड़की लेके और ओयो रूम्स में जाके पकड़े गए तो सबकी बारात निकल जाती है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ एनवायरमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, वो होटल किसके लिए फेमस है, और ऐसी जगह पे कि जहाँ आपको ऐसा टेंशन प्रेशर या पुलिस आएंगे इनको ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो टेस्ट करने के लिए जो लोग गए हो तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सेक्स तो होता ही रहता है और बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं कि नहीं हमारा जल्दी हो गया, तो जल्दी होना ही है क्योंकि 15 दिन में 1 महीने के बाद में यदि आप संपर्क कर रहे हैं सेक्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली अर्ली इजैकुलेशन होने वाला ही है। तो उनको मैं बोलता हूँ कि भाई आपको 15 दिन में एक महीने में एक बार सेक्स करना है, अब शादी होने की बाकी है और आपको चुपके करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो पहले आप क्या करो, हस्तमैथुन करो, मास्टरबेशन करके ये गोली खाओ, जाओ और सेक्स करो, ताकि आपका जल्दी गिरेगा नहीं। अभी ये हो गया अभी तक का शादी के पहले का। अब शादी के बाद की बात करता हूँ। शादी के बाद में भी ऐसा हो सकता है कि पत्नी को कुछ बीमारी है, हाथ पैर दर्द कर रहे, जोड़ों में दर्द है, डायबिटीज है, थकान है, या और कोई बीमारी है, या कुछ भी इंटरेस्ट सेक्स में नहीं है। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं कि उनको सेक्सुअली इंटरेस्ट ही नहीं है। अब हो सकता है कि पति को इंटरेस्ट है, पति को सेक्स करना है, और वो बोलता है और वो ना बोल देती है कि नहीं मेरे को नहीं करना है। अभी इस समय पति ने क्या करना चाहिए, तो मेरी ऐसी सलाह है कि पति ने बात करनी चाहिए औरत के साथ में कि भाई देखो तुमको इंटरेस्ट नहीं है, मगर भाई मुझे तो इंटरेस्ट है, मुझे तो जाना है, मुझे तो करना है, तो इस समय फिर क्या मैं बाहर जाके मेरा खुद का सेटिस्फाई कर सकता हूँ, ऐसा बोल के कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए।
बाहर, फिर आप बाहर जाके पेड सर्विस ले सकते हो, या फिर आप कोई फ्रेंड है उनके साथ में आप कर सकते हो सकता है फ्रेंड भी कोई मतलब फ्री में नहीं करती है, आपको लगता है कि फ्रेंड फ्री में करेंगे, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देनी पड़ती है, कुछ ना कुछ पास ऑन करना पड़ता है, या समथिंग यू हैड टू गिव, हो सकता है कि भाई उनको कोई गिफ्ट दे दी पड़ी तो उससे भी मतलब उसको समाधान मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि हर समय पैसे देना है, मगर समझो ऐसी व्यक्ति आपको मिलती है कि जो व्यक्ति को मुझे जो स्त्री को घर में उसके साथ में ऐसा प्रॉब्लम है कि वो घर में सेटिस्फाइड नहीं है, तो डेफिनेटली वो भी आपके साथ में एक रिलेशनशिप बना सकती है और दोनों भी एक दूसरे से रिलेशनशिप बना के अच्छा रह सकते हैं। अब इसमें लोग बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा नहीं है, ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, आप एथिकली मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है, आप ऐसा कैसा बोल सकते हो। तो मेरा बोलना है कि भाई ठीक है, अभी जब ये प्रॉब्लम ही है और ये इंस्टिंक्ट है, सेक्स इज एन इंस्टिंक्ट, जैसे खाना खाना जो है वो जरूरत है अपने बॉडी के लिए, जरूरी है खाना, तो खाएंगे नहीं तो कैसा हूँ, ऐसा सेक्स का भी है कि आपका सेक्स का यदि इच्छा पूरी नहीं होती है और वो यदि पूरी कोई कारण से नहीं होती कि पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, पार्टनर ठीक नहीं है, पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो इच्छा तो पूरी होनी जरूरी है, वो तो इच्छा होनी चाहिए कहीं ना कहीं सेटिस्फाई, तो उसके लिए फिर आप कॉन्फिडेंस में लेके कोई आपके फ्रेंड के साथ में या सेक्स वर्कर के साथ में आप रिलेशनशिप बना सकते हो। मगर वही है कि सेक्स वर्कर के साथ में आप जाते हो रिलेशनशिप बनाते हो तो उसमें वही है कि भाई पुलिस का डर, जल्दी करो, पैसा दे दो, जल्दी निपटा दो, उसमें ना सेटिस्फैक्शन मिलता है, ना कुछ फ़ायदा भी होता है, ना कुछ मतलब ऐसा कोई एन्जॉयमेंट भी नहीं है। तो वो भी आपने देखना चाहिए कि जहाँ भी आप काम करते हो तो वो सेक्स वर्कर भी है कि उसका भी आपने गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वो क्यों ऐसा करते हैं कि उनके पास में ऐसे कस्टमर आते रहते हैं कि चलो जल्दी पैसे निकालो जाओ भाई, नहीं तो कुछ लोग काम करते हैं और बाद में पैसे देते नहीं है, बाद में उल्टा पुल्टा कुछ बोल देते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते और चले जाते, तो बोलते पहले पैसे लाओ, और पहले पैसे दिए कि बाद में करती नहीं है जैसा चाहिए, पैसा इंटरेस्ट लेती नहीं है। तो ये सभी का पूरा विचार करके आपने अपना खुद का एक फॉर्मूला बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कोई फॉर्मूला मेरा भी नहीं है, मैं तो एक एडवाइस देने वाला हूँ कि भाई नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, और ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ये कोई साइंटिफिक ओपिनियन नहीं है, ये कोई जग जाहिर नहीं है, सबका ऐसी होना चाहिए, दिस माय पर्सनल ओपिनियन कि भाई ऐसा कर सकते हैं, शादी के पहले भी है, शादी के बाद में भी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शादी के पहले करना है तो पूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने से, और टेस्ट करने जाना है तो बता के और आराम से शांति से टेस्ट करने जाओ, वैसा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मगर लोग टेस्ट करना चाहते हैं। नंबर एक, गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ में भी जब आप करते हो तो वहाँ से भी आप ट्रॉमा लेके आते कि मेरा जल्दी हो गया, तो उसके लिए भी मैंने क्या करना बताया। शादी के बाद में यूजली पत्नी के साथ में पहले कुछ साल होता नहीं है, मगर जैसे जैसी उम्र बढ़ जाती है 40 साल 45 साल 50 साल के बाद में यदि औरत या मर्द दोनों को यदि इंटरेस्ट नहीं है तो जो जिसको इंटरेस्ट है वो अपना सेटिस्फैक्शन और कहीं कर सकता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कि आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।